तो अपने स्टार्ट करिए आजन सेशन अपने विल स्टार्ट विथ मंगलाचरण राग द्वेश विजेता सक्रपूज्य गिराशं तीर्थेशम श्रुतिमा पन्नगे चुरेन्द्रे कौशिके पाद संस्कृते निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामी नम सर्वरिष्ट प्रणसाभिष्टादाय सर्व्धि निधनाय श्री गौतम स्वामिने नम तो लेट स्टार्ट तो टुडे इज अवर फिफ्टींथ सेशन और तीर्थंकर चरित्र और हम लास्ट सेशन में वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइव टाइप्स ऑफ ज्ञान तो हमने ज्ञान का टॉपिक uh, डिटेल में देखा और वी कम्प्लीटेड uh, ज्ञान का टॉपिक मेरे को एक दो चीज़ और लेना है जो चौदह पूर्व और वो सब के टॉपिक्स एक बार डिटेल में लेना है पर अभी यू नो वी विल मूव फॉरवर्ड और uh, इस यू नो विल कंटिन्यू विथ वॉट वी आर डिस्कसिंग अर्यर तो हम वहां से हम वापस पुनः थोड़ा रिवाइज करके हम वापस वहां से स्टार्ट करते हैं तो हम पहले हम जो देख रहे थे आ, हम ये टॉपिक को देख रहे थे कि जो पंच जीव है पंचिंद्रिय जीव के जो भेद है वो मुख्य चार भेद है हमने देखा था नारकी तिरियंज मनुष्य और देव और उसमें से हमने नारकी और देव गति को एकदम विस्तार से हमने देखा और अगर अगर उत्तर भेद की संख्या हम गिनी जाए तो 535 भेद है पंच के तो नार्की के नारकी के 14 भेद है तिरियंश के 20 मनुष्य के 303 और देव गति के 198 तो वी सौ नारकी के 14 भेद और देव गति के 198 भेद तो इस क्लास में वी विल सी द 303 भेद ऑफ ऑफ मनुष्य पर उसके पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ब्रीफली नारकी और देवगति और उसके बाद हम ये क्लास में विल टॉक अबाउट द थ्री हंड्रेड थ्री क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफ द मनुष्य तो हमने देखा था कि जो अपना जो चौदह राजलोक है वो तीन विभागों में विभाजित है तो उसमें है उर्ध्वलोक है मध्य है और फिर अधोलोक है और देखा कि जो उर्ध्वलोक है उसका हाइट सेवन रज्जूस है सात रज्जूस जो अधो लोक है उसका हाइट भी सेवन रजूस से और जो मध्य लोह है उसका हाइट एटीन हंड्रेड योजन से जो हम जो भूमि पे है उसको स्वयं भूतल भूमि कहते हैं हमारा जो अर्थ है हम जो भूमि पे है उसको स्वयं भूतल भूमि कहते हैं और जो मध्य लोक है उसका दूसरा नाम तिरछा लोक है वो 900 हंड्रेड योजन ऊपर और 900 हंड्रेड योजन नीचे स्वयं भूतल भूमि के ऊपर और नीचे उतना एक्सटेंड होता है तो टोटल एटीन हंड्रेड योजन है और बीच में जो नाड़ी जो पसार होती है उसको त्रस नाड़ी कहते हैं और जो भी त्रस जीव है वो मात्र त्रस नाड़ी में उत्पन्न होते हैं त्रस जीव मतलब अपने इच्छापूर्वक वो एक जगह से दूसरे जगह गमनागमन कर सकते हैं तो ऐसे जीव जो बे इंद्रिय इंद्रिय चौर इंद्रिय और पंच इंद्रिय जीव है वो मात्र त्रस नाड़ी में ही उत्पन्न होते हैं और त्रस नाड़ी के बाहर मात्र स्थावर और निगोद के जीव है फिर हमने देखा था कि उर्ध्वलोक उर्ध्वलोक में सबसे ऊपर मोक्ष है सिद्धशिला है और वो सिद्धशिला 45 लाख योजन विस्तार है उसका उसका डायमीटर इज 45 लाख योजन और उसके नीचे पांच अनुत्तर विमान है उसके नीचे नौ ग्रेवियक है और उसके नीचे 12 वैमानिक देवलोक के विमान है अगर 12 वैमानिक देवलोक के विमान के साथ देयर आर आल्सो तीन थ्री किलभीशक देवता के विमान और देर इज ऑल्सो एक लोकांतिक देवत के देवता के भी टोटल आर विमानोल so, वैमानिक देवलोक ट्वेल्व वैमानिक देवलोक प्लस थ्री किलभिशक देवता के और एक लोकांतिक देवता के देवलोक फिर उसके बाद जो मध्यलोक है मध्यलोक में जहाँ पे मनुष्य और तीरंज का जन्म होता है वो सब मध्यलोक है और मध्य लोक के ऊपर जो ज्योतिष चक्र है जो ज्योतिष देवता है वो पांच टा, टाइप के हमने देखे थे वो चंद्र सूर्य ग्रह तारा और नक्षत्र तो वो सभी मध्य लोक में है क्योंकि वो नौ सौ नौ सौ योजन में है और मद, और स्वयं भूतल भूमि के नीचे व्यंतर व्यान व्यंतर और तीर्भ देवतास वो सभी मध्य लोक में है बिकॉज दे आर विद इन द नाइन हंड्रेड योजन बिलो द स्वयं भूतल भूमि और उसके बाद जो अधोलोक अधो है अधोलोक में हमने देखा देर आर ट्वेंटी फाइव टाइप्स ऑफ भुवनपति देवतास उसमें टेन टाइप्स ऑफ असुर कुमार्स एंड फिफ्टीन टाइप्स ऑफ परमाधामी देवतास जो पहले रत्न रत्न प्रभा भूमि में रहते हैं और उसके बाद है सात नारकीस तो जस्ट uh, एक बार थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं हमने देखा कि नारकी जो है वो uh, उसके सेवनटीन उसके फोर्टीन भेद है और देर आर सेवन टाइप्स ऑफ नारकी जो रत्न प्रभा सर्कर प्रभा वालुका प्रभा पंक प्रभा धूम प्रभा तम प्रभा और महातम प्रभा और उसमें जो रहने वाले जीव है उसके नाम है तो रत्न प्रभा में जो नारकी के जीव है उसको हम धम्मा कहते हैं सेकंड नारकी में वंश शैला अंज रिश्ता मग और मागवती तो ये वो जीवों के नाम है और ये सात प्रकार के जीव क्षेत्र के हिसाब से है पर ये जीव पहले अंतर्मुहत में अपर्याप्त अवस्था में होते जब वो छह पर्याप्ति पूर्ण करते हैं उसके बाद वो पर्याप्त हो जाते हैं तो आपको पता होगा छह पर्याप्ति कौन सी है हमने वो भी देखा था तो नारकी और देवलोक के जीव कभी अपर्याप्त अवस्था में उसकी मृत्यु नहीं होती है उनका अवश्य निश्चय उनकी पर्याप्ति फिनिश होती है और अंतर्मुर्त के बाद वो पर्याप्त हो जाते हैं तो टोटल डिविजन्स है फोर्टीन और बीच में कोई भी क्वेश्चन होता है, मुझे पूछना अभी हम सिर्फ थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं उसके बाद हम मध्य लोक के तरफ आगे बढ़ेंगे और हमने देखा था कि जो सात नारकी है उसकी जो थिकनेस है वो कम होते जाती है पहली नारकिका हंड्रेड एट्टी योजन था और ऐसे नीचे नीचे जाके जो सेवंथ नारकी है उसकी 108,000 एट योजन है और उसका जो डायमीटर है उसका जो वृथ है वो इंक्रीज होते जाता है तो पहला नारकी का एक रज्जु था और नीचे जाओ सेवंथ का वो सेवन रज्जु उसका डायमीटर uh, है ये ये सभी गोल है वलयाकार का है तो इट्स बेसिकली डायमीटर इज सेवन रजूज और ये जो भूमिज है वो नारकी की भूमिज इट्स सपोर्टेड बाय थ्री लेयर्स जो पहला हमने देखा था वो घनोदधी लेयर है घनो वो एक थिक वाटर लेयर है जो बीस हजार ट्वेंटी थाउजेंड योजन का वो थिकनेस है उसके नीचे घनवात है वो थिक एयर है वो असंख्य योजन है उसके नीचे तनवात है वो थीन एयर है वो भी असंख्य योजन है और उसके बाद आकाश है आकाश भी असंख्य योजन से फिर उसके बाद सेकंड नारकी आती है वापस घनो दधी घनवाद तनवात ऐसे करके उसका स्ट्रक्चर है और नारकी के जियो का देखा था कि जो हाइट है वो इंक्रीज होते जाता है पहली नारकी में सात धनुष के हाइट है और जो सेवंथ नारकी में पांच सौ की हाइट है तो अगर देखे पहले नारकी के जियो राइट सात धनुष तीन हाथ मतलब क्लोज टू थर्टी फीट मतलब हमारा हाइट है क्लोज टू सिक्स तो फीट तो हमारे से एटलीस्ट फाइव टू सिक्स टाइम्स बड़े बड़े होते हैं जस्ट टू कंपेयर जो पहली नारकी के जीव और फिर उसके बाद उनका हाइट इंक्रीज होते जाता है और उसके बाद हमने देखा कि आयुष्य भी इंक्रीज होते जाता है जो पहली नारकिंग में जो जगन्य आयुष्य है वो दस हजार साल का है उत्कृष्ट आयुष्य एक सागरोपम का है और ऐसे करके नीचे जाओ तो सातवीं नारकी में जगन्य आयुष्य बह ट्वेंटी टू सागरोपम और जो उत्कृष्ट आयुष्य है वो थतरी सागरोपम का है फिर हमने देखा था जो पहली नारकी है रत्न प्रभा भूमि उसमें जो आ, आ, अपने मध्यलोक में सबसे सेंटर में मेरु पर्वत है हम ये सब काफी डिटेल में देखेंगे आगे पर ये जो मेरू पर्वत है मेरू पर्वत भी वो नीचे तक जाता है यहाँ पे पिक्चर में दिखाया नहीं है पर मेरु पर्वत भी थाउजेंड योजन नीचे तक जाता है तो ये मेरू पर्वत के नीचे जो पहले एटी योजन से उसमें व्यान देव रहते हैं फिर उसके बाद एट हंड्रेड योजन तक देव रहते हैं तो ये सब मध्यलोक का पार्ट है और उसके बाद अधोलोक शुरू होता है तो अधोलोक में नरक के प्रतरस है और असुर कुमार देवता के प्रतर है तो ऐसे थर्टीन प्रतर्स है नरक का प्रतर असुर कुमार का प्रतर वापस नरक का प्रतर वापस नाग कुमार का प्रतर ऐसे करके थर्टीन प्रतर्स है और लास्ट में शून्य पिंड है जो थाउजेंड योजन है थिकनेस उसके बाद घनो नदी घनवात और तनवात तो ये सब देखा था वी आर जस्ट रिवाइजिंग और देखा था कि डिपेंडिंग ऑन कौन से प्रतर में जीव का जन्म होता है उनका आयुष्य इंक्रीज होते जाता है तो अगर पहले रत्न भूमि में भी थर्टींथ प्रतर से तो पहले प्रतर में जो जीव जन्म लेता है उसका जगन्य आयुष्य दस हजार साल और उत्कृष्ट आयुष्य नाइन्टी थाउजेंड साल और ऐसे करके जो थर्टींथ प्रतर में जो जन्म लेता है वो उसका आयुष्य सागरोपम तक उसका इंक्रीज होता है तो ये था नारकी का ब्रीफ रिविजन उसके बाद हमने देखा था देवलोक का तो देवलोक में देर आर हंड्रेड एंड नाइनटी एट डिविजन्स तो देवलोक में देर आर थ्री डिविजन्स जो ऊर्ध्वलोक में जो देवता है मध्यलोक में जो देवता है और दो अधोलोक में जो देवता है जो ऊर्धवलोक में जो देवता है वो थर्टी एट टाइप्स के हैं जो बारह वैमानिक देवलोक के देवता तीन किलभिषक किलभिषक मतलब सरवन देवतास जो लोगों का काम करते हैं ऐसे सरवन देवतास फिर नाइन ग्रेवियक पांच अनुत्तर और नाइन लोकांतिक देवतास ये लोकांतिक जो देवता होते हैं उनका ये अंतिम भव होता है और नेक्स्ट भव में वो मोक्ष में जाने वाले होते हैं और जब भगवान का जब दीक्षा कल्याणक आते हैं आता है जब ये लोकांतिक देव आके भगवान को याद कराते हैं कि तुम्हारा दीक्षा समय नजीक आ रहा है और तुमको दीक्षा लेनी है और धर्मतीर्थ की स्थापना करनी है ये सब लोकांतिक देवता होते हैं वो भगवान के परम भक्त होते हैं फिर उसके बाद हमने देखा मध्यलोक में मध्यलोक में आठ व्यंतर देवतास आठ व्यान व्यंतर देवतास ये व्यंतर और व्यान व्यंतर देवता जो है वो जनरली उनके भुवन नहीं होते वो झाड़ों में रहते हैं नेचुरल नेचुरल प्लेसेस प्लेसे जैसे रिवर्स और वो सब में रहते हैं और ये सब मध्य लोक में फिर दस तिरभक देवतास, ये तिरक्रुमभक देवतास जब भगवान का जन्म होता है तब वो आके पैसे का दान करते हैं, वो पैसा लेके पैसा पैसा इकट्ठा करके आते हैं और जब वर्षी दान करना होता है भगवान को तब आ, Uh, उनको डिफरेंट uh, डिफरेंट जगह से वो पैसा पैसा लेके आते हैं जहाँ पे भी जो अनयूज पैसा हो जिस जिसका पैसा जिसका कोई ओनर ना हो जो वो पैसा अनक्लेम्ड हो ऐसा चौदह लोक में जहाँ पे भी वो जैम्स और ज्वेलरीज और वो सब है वो सब लेके आते हैं और भगवान को वर्षीदान के वक्त वो देते हैं फिर उसके बाद जो पांच ज्योतिष जो चर ज्योतिष है और पांच अचर ज्योतिष तो हम ये भी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे जब हम लोक लोक का वर्णन करेंगे पर जो अड़ी द्वीप में जो ज्योतिष है वो सब चर ज्योतिष है चर मतलब मूविंग जो अड़ी द्वीप में जो भी ज्योतिष के देवता है जो भी प्लेनेट्स है स्टार्स है वो सब मेरू पर्वत के राउंड वो उनकी उनकी गति होती है तो वो सब चर बोलते हैं मतलब मोबाइल और जो अड़ी द्वीप के बाहर जो भी ज्योतिष देवता से वो असंख्य है वो सब स्टेबल है मतलब वो मूव नहीं होते तो अड़ी द्वीप के बाहर सभी अचर ज्योतिष है तो मध्य लोक में देर आर थर्टी सिक्स टाइप्स ऑफ देवतास और अधोलोक में हमने देखा था कि देर आर टेन भुवन जो और पंदर परमाधामी और ये सभी पहले रत्न प्रभा भूमि के प्रतरो में आ, आंतर, आंतर में वो रहते हैं और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे पूछना तो टोटल 99 नाइन टाइप्स ऑफ देव से और वो ये देव भी पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों हो सकते हैं तो पहले अंतर मुहूर्त में सभी देवता अपर्याप्त होते हैं और अंतर्गुण में वो पर्याप्ति पूर्ण करते हैं उसके बाद वो पर्याप्त हो जाते हैं हमने देखा था छह टाइप की पर्याप्ति होती है uh, किसी को पता है कैन एनी वन टाइप्स ऑफ पर्याप्ति ठीक है तो पहला हमने देखा था कि आहार पर्याप्ति होती है उसके बाद शरीर पर्याप्ति इंद्रिय पर्याप्ति श्वासोश्वास पर्याप्ति उसके बाद भाषा पर्याप्ति और मनो पर्याप्ति राइट तो ये छह टाइप की पर्याप्ति देवता और नारकी के जीव अवश्य पूर्ण करते हैं वो अपर्याप्त अव अव अवस्था में उनकी मृत्यु नहीं होती है पर मनुष्य और तीरंज की मृत्यु हो सकती है अपर्याप्त अव अवस्था में सो टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ देवता हंड्रेड है फिर उसके बाद हमने देखा था पंद्रह टाइप के परमाधामी देवतास ये परमाधामी देवता गिव टॉर्चर uh, वो बेसिकली नरक के जीवों को टॉर्चर करते और उनका सिर्फ थर्ड नरक तक ही वो टॉर्चर करते हैं वो थर्ड नरक तक ही ट्रैवल कर सकते हैं उसके बाद जो फोर्थ नरक के जीव है फोर्थ टू सेवंथ उसमें सिर्फ क्षेत्रकृत वेदना होती है उसमें परमाधामी की वेदना नहीं होती है और जो आ, दस टाइप के असुर कुमार के देवतास है वो पहली रत्न प्रमा भूमि में रहते हैं वो असुर कुमार नाग कुमार नाग कुमार जैसे धनेन्द्र वो नाग कुमार देवता है ऐसे सुवर्ण कुमार विद्युत कुमार अग्नि कुमार तो ये टेन टाइप्स ऑफ भुवनपति के देवतास है फिर उसके बाद हमने देखा एट टाइप्स ऑफ व्यंतर जो भगवान के जो यक्ष और यक्षिनी होते हैं वो सब व्यंतर है व्यंतर कोटि के देवता से जैसे यू नो चक्केश्वरी देवी ऋषभ देव की पद्माती देवी वो सभी व्यंतर कोटि के देवता है और उसके बाद एट एट टाइप्स ऑफ व्यंतर है जो हमने देखा था तो ये सभी यक्ष यक्षिणी के नाम है और तीर्यग्रंबक देवतास वो भी मध्यलोक के तेरा टेन टाइप्स ऑफ तीर्य ग्रंबक देवतास फिर हमने देखा फाइव टाइप्स ऑफ ज्योतिष उसमें चर और पांच टाइप ऑफ अचर ज्योतिष देवतास तो दिस आर द टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफ देवतास उसमें हमने देखा कि जो भुवनपति के देवता से व्यंतर के आ, जो लोक के देवता से ज्योतिष और वैमानिक तो ये जो देवता है वो सब कल्पोपन्ना देवतास कहते हैं कल्पोपन्ना का अर्थ हमने देखा था कि उसमें इंद्र होता है और उसमें राज्य व्यवस्था होती है और ये सब देवता भगवान के जब जन्म होता है जब स्नातक महोत्सव होता है तो ये सभी देवतास आते हैं तो ऑल दिस देवतास दे कम फॉर सेलिब्रेशन पर उसके बाद जो ऊपर के देवता से नौ पांच अनुत्र और नौ नौ ग्रेविय वो कल्पात देवतास बोलते हैं वहाँ पे कोई इंद्र नहीं होता है वहाँ पे कोई राज्य व्यवस्था नहीं होती है वो स्वयं के इंद्र होते हैं मतलब उनको अहम इंद्र कहते हैं तो ये सब वो स्वयं ही इंद्र होते तो ये सब वो कभी कोई भी कहीं पे भी सेलिब्रेशंस में नहीं आते भगवान के पांच कल्याणक में ये ऊपर के देवता नहीं आते हैं तो इसलिए उनको कल्पातित देवता कहते हैं तो दिस आर टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ हंड्रेड टाइप्स ऑफ देवता और हमने देखा था कि उनकी हाइट राइट उनकी हाइट नारकी के जीवों के कंपैरिजन में काफी कम होती है जो भुवनपति व्यंत और फर्स्ट और सेकंड वैमानिक देवता के देव है उनकी हाइट मैक्सिमम सात हाथ होती है मतलब क्लोज टू आस, हमारी ऐसे फीट होती है तो एक फुट ज्यादा फिर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऐसे हाइट कम होती जाती है और पांच अनुत्तर विमान के जो देवता है उनकी हाइट मात्र एक हाथ की होती है और उनका आयुष्य है भुवनपति का मिनिमम टेन थाउजेंड ईर्स होता है और जैसे ऊपर ऊपर जाते हैं वैमानिक देवलोक का जो पांच अनुत्तर विमान के देवता है उनकी आयुष्य थ्री सागरोपम होती है राइट right? तो यहां तक हमने ब्रीफली uh, देखा था तो इस क्लास में हम आगे बढ़ते हैं विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मनुष्य ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मनुष्य का और इसको हम काफी डिटेल में देखेंगे विल प्रॉबली स्पेंड यू नो सिक्स सेवन क्लासेस ऑन दिस ऑन दिस क्लासिफिकेशन उसमें हम लोक का स्वरूप भी काफी डिटेल में देखेंगे तो मनुष्य के मुख्य तीन भेद है जो मनुष्य कर्म भूमि में जन्म लेते हैं जो मनुष्य अकर्म भूमि में जन्म लेते हैं और जो मनुष्य अंतर द्वीपों में जन्म लेते हैं तो मुख्य क्षेत्र के हिसाब से थ्री टाइप्स ऑफ मनुष्य है जो कर्मभूमि है वो पंद्रह है पांच भरत पांच ऐरावत और पांच महाविदे जो अकर्म भूमि है वो तीस है और जो द्वीप है वो फिफ्टी सिक्स है तो टोटल देर आर हंड्रेड एंड वन टाइप्स ऑफ मनुष्य बेस्ड ऑन क्षेत्र कौन से क्षेत्र में वो जन्म लेते हैं उसके हिसाब से देर आर हंड्रेड एंड वन टाइप्स ऑफ मनुष्य तो कर्मभूमि किसको कहते हैं तो जहां पे असी मसी कृषि रूप जीवन व्यवहार चल रहा हो उसको कर्मभूमि कहते हैं असी मतलब जहां पे शस्त्र यू नो वेपन्स उसका प्रोडक्शन होता हो युद्ध आदि होता हो उसको असी कहते हैं मसी मतलब स्वाध्याय जहां पे शास्त्र लेखन द्वाद सांगी आदि सब होता है उसको मसी कहते हैं और खुशी मतलब फार्मिंग तो ये तीन का जो व्यवहार होता है ये तीन का जब कर्म होता है उससे लोग जीवन व्यवहार चलाते हैं कर्म भूमि कहते हैं उसके अलावा थ्री सला का पुरुष है तेसठ जो सलाह का पुरुष है वो मात्र कर्म भूमि में ही जन्म लेते हैं तो सिक्सटी थ्री का पुरुष कौन से है चौबीस तीर्थंकर बारह चक्रवर्ती नौ बड़देव नौ वासुदेव और नौ प्रतिवासुदेव तो ये सिक्तित्री महापुरुष मात्र कर्मभूमि में ही जन्म लेते हैं और कर्मभूमि ही ऐसी भूमि है जहाँ से हम मोक्ष जा सकते हैं मोक्ष के द्वार मात्र कर्मभूमि में ही ओपन होते हैं उसके बाद तीर्थंकर जन्म लेके धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं उसके बाद जहां पे तप संयम आदि धर्म की आराधना होती हो उसको कर्मभूमि कहते हैं तो ये कर्मभूमि टोटल फिफ्टीन है जो अपना जम्बू है जम्बू में एक भरत एक ऐरावत और एक महावीर क्षेत्र है उसके बाद जो घाटकी कंड है जम्बू द्वीप के बाहर तो उसमें दो भरत दो ऐरावत और दो महावीद क्षेत्र है और उसके बाद जो पुष्करावर द्वीप है उसमें भी दो भरत दो ऐरावत और नौ दो महावीर क्षेत्र है तो टोटल कर्म भूमि फिफ्टीन है फिर उसके बाद अकर्म भूमि तो अकर्म भूमि किसको कहते हैं तो अकर्म भूमि कर्म भूमि से ऑपोजिट है जहाँ पे असी मसी खुशी रूप कोई जीवन व्यवहार वहाँ पे वो चलता नहीं है जहाँ पे जो 63 सलाका पुरुष जहाँ पे वो जन्म नहीं लेते जहाँ पे मोक्ष मार्ग नहीं है जहाँ पे मोक्ष के द्वार बंद है और यहाँ पे युगलिक रूप जन्म लेते हैं तो यहाँ पे आइदर फर्स्ट सेकंड या थर्ड आरा युगलिक आरा चलता है और यहाँ पे मात्र कल्प वृक्षों से ही जीवन व्यवहार चलता है हमने एक क्लास में देखा था देर आर टेन टाइप्स ऑफ कल्प वृक्ष उसमें से एक कल्प वृक्ष हमको खाना देता है एक कल्प वृक्ष जो भी पानी है लिक्विड है ज्यूसिस है वो सब देता है एक कल्प वृक्ष कपड़ा देता है एक कल्पवृक्ष घर देता है फिर कल्पवृक्ष लाइट्स देता है ज्योतिष कल्पवृक्ष वो लाइट्स देता है फिर ऑर्नामेंट्स देता है अः म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देता है तो जो भी हमको जीवन व्यवहार की जरूरत की चीजें हैं वो सब कल्पवृक्ष देते हैं और यहाँ पे युगलिक रूप जन्म लेते हैं वो एक साथ वो रहते हैं एक साथ वो शादी करते हैं और एक साथ वो मर भी जाते हैं उनका आयुष्य एक समान होता है तो ऐसे अकर्म अक भूमि थर्टी है तो जम्बू द्वीप में एक देव कुरु उत्तर कुरु वन ऑफ ईच सो एक देवकुरु एक उत्तर कुरु एक हरि हरिवर्ष एक रम्यक एक हिमवंत और एक हरिण्यवंश चित्र फिर घाटकी कण में हर एक दो दो है और उसके बाद पुष्करवार द्वीप में दो दो है तो टोटल थर्टी अकर्म भूमि okay? तो यहाँ पे जो देव कुरु और उत्तर कुरु क्षेत्र है उसमें सदा फर्स्ट आरा चल रहा होता है सो कांस्टेंट फर्स्ट आरा फिर उसके बाद जो हरिवर्ष और रम्य क्षेत्र है उसमें कांस्टेंट सेकंड आरा चल रहा है और उसके बाद जो हिमवंत और हरिण्यवंश क्षेत्र है उसमें कॉन्स्टेंट थर्ड आरा चल रहा होता है तो so, वो तीनों तीन युगलिक काल है बट दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस फाइव क्षेत्र और कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क फिर उसके बाद जो अकर्म भूमि उसके बाद जो uh, और है वो है फिफ्टी सिक्स अंतरद्वीप तो एक बार हम जम्बू द्वीप के बारे में डिटेल में देखेंगे पर जो uh, जम्बू द्वीप में जो लघु हिमवंत पर्वत और जो शिखरी पर्वत है उसके पूर्व और पश्चिम के एंड एंड में देर आर आठ क्षेत्र निकलते हैं जो लवण समुद्र में निकलते हैं और हर एक आठ क्षेत्र में सेवन द्वीप्स से, है मतलब तो द्वीप और ये फिफ्टी सिक्स अंतरद्वीप में भी अकर्म अक भूमि जैसा ही व्यवहार है इसमें कॉन्स्टेंट थर्ड आड़ा चल रहा होता है पर यहाँ पे अम जो जो यहाँ पे भी युगलिक मनुष्य जन्म लेते हैं और पर यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो कल्प वृक्ष है वो इतने इतने पावरफुल नहीं होते है कंपेयर तो टू जो हरिण्य वन क्षेत्र है जो जम्बू द्वीप के अंदर है उसके कंपेरिजन में यहाँ पे सुख थोड़ा कम होता है द्वीपों में पर तीनों तीन जो अम्म जो 56 सिक्स अंतर्द्वीप है और जो आ, तीस अकर्म भूमि में है जो 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 भी जीव है वो सभी मंद कषाय वाले हैं मतलब उनकी कषाय बहुत कम होते हैं और सभी मर के वो निश्चित वैमानिक देवलोक में जाते हैं तो वो मिनिमम वो फर्स्ट देवलोक में वो नेक्स्ट भव में उत्पन्न होते हैं तो तो अभी मनुष्य लोक तो मनुष्य लोक का विस्तार कितना है तो तो मनुष्य लोक का विस्तार तो टोटल फोर्टी फाइव योजन है तो अभी एक इंटरेस्टिंग चीज है राइट अभी सिद्ध शिला जो है सिद्ध शिला का भी डायमी फाइव लैख योजन है और जो मनुष्य लोक है जो अड़ी द्वीप है उसका डायमीटर भी फोर्टी फाइव लैख योजन है इसका रीजन यह है कि ये फोर्टी फाइव लैख योजन से ही हम मोक्ष में जा सकते हैं और जो भी जीव यहाँ पे ये इस अडी द्वीप में जन्म लेता है वही जीव डायरेक्ट मोक्ष में जा सकता है अरी द्वीप के बाहर कोई मनुष्य जन्म नहीं लेता है पर तीजन चादी जन्म लेते हैं पर वो लोग मोक्ष में नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे मोक्ष मार्ग है नहीं तो जम्बू द्वीप है उसका डायमीटर वन लाख योजन है उसके बाद जम्बू द्वीप के बाहर लवण समुद्र है और लवण समुद्र का जो एंड टू एंड डिस्टेंस है वो फोर लैख योजन है वो दो लैख टू लैख योजन ऑन वन साइड एंड अनदर टू लैख योजन ऑन अनदर साइड सो टोटल फोर लैख योजन तो लवण समुद्र के बाहर घाटकी खंड है और घाटकी खंड का टोटल विस्तार है एट लैक योजन और घाटकी खंड के बाहर कालो नदी समुद्र है उसका विस्तार सिक्सटीन लैक योजन है और उसके बाद बाहर पुस्करावर्ध द्वीप है उसका डायमीटर थर्टी टू लैक योजन है पर ऐसा है कि मनुष्य मात्र अर्ध पुस्करावर्ध के क्षेत्र में ही जन्म ले है सकते हैं तो इसलिए थर्टी टू डिवाइड बाई टू सिक्सटीन तो इफ यू काउंट इफ यू टोटल एवरीथिंग तो टोटल अड़ी का जो डायमीटर आता है वो है फोर्टी फाइव योजन तो यहाँ पे मैप है। तो हमारा जो मनुष्य लोक है उसमें सेंटर में मेरू पर्वत है ये जो मेरू पर्वत है उसका हाइट वन लैख योजन है सो so बेसिकली जो जम्बू द्वीप का जो डायमीटर है उत, उतना ही मेरू पर्वत का हाइट है जम्बू द्वीप का डायमी योजन और मेरु पर्वत का हाइट भी वन लैख योजन है और जो मेरू पर्वत का जो बेस डायमीटर है वो ट्वेंटी टू थाउजेंड वो टेन थाउजेंड योजन है जो बेस डायमीटर उसके बाद मेरू पर्वत के बाहर जम्बू द्वीप है जो हम यहाँ पे रहते हैं जम्बू द्वीप में उसके बाहर लवण समुद्र है उसके बाहर घाटकी कंड है उसके बाद कलोदी समुद्र है और उसके बाद अर्ध पुष्करवार द्वीप है तो ये जो पुष्करवार द्वीप है वो यहाँ पे एंड में मनस्तर पर्वत है और मनुष्य पर्वत के अंदर ही मनुष्य जन्म ले सकते हैं तो इसलिए हम बोलते हैं अर्ध पुष्करावर द्वीप इसके बाहर भी आधा द्वीप पे बाकी है पर यहाँ पे कोई मनुष्य जन्म नहीं लेता है मनुष्य पर्वत के बाहर कोई भी मनुष्य जन्म नहीं लेता है तो इसलिए इसको बोलते सो टू टू एंड हाफ द्वीप तो इतना इतने क्षेत्र को मनुष्य लोग बोलते हैं और उसके बाद जो अर्ध पुष्कर द्वीप के बाद असंख्य द्वीप और समुद्र है जो उसकी उसकी जो विस्तार है वो डबल डबल होते जाता है और टोटल जो तिरछा लोक इसको पूरा तिरछा लोक बोलते हैं टोटल तिरछा लोक का जो डायमीटर है वो वन रज्जु है वन रज्जु मतलब असंख्य योजन उसका डायमीटर वन वन रज्जु है और जो लास्ट दो द्वीप और समुद्र है उसका नाम है स्वयंभ स्वयंभू रमन द्वीप और स्वयंभर स्वयंभू रमन समुद्र तो ये असंख्य द्वीप और समुद्र के बाद है तो ये पूरा लोक है या कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछना तो विल we'll जस्ट uh, ये थोड़ा हम ब्रीफली ये क्लास में देख लेते हैं और फिर नेक्स्ट क्लासेस में विल गो इनटू टू मच मोर डिटेल पर इस क्लास में वी वांट टू अंडरस्टैंड की uh, कर्मभूमि कौन सी है कर्म भूमि कौन सी है और 56 सिक्स अंतरद्वीप कौन से है तो ये जम्बू है जो जम्बू में सेंटर uh, में मेरू पर्वत है तो ये जम्बूद्वीप टोटल सेवन क्षेत्रों में डिवाइडेड है एंड इट्स डिवाइडेड बिकॉज ऑफ द सिक्स पर्वत तो टोटल छ पर्वत है तो पहला पर्वत है ये लघु हिमवंत पर्वत है उसके बाद दूसरा पर्वत है माह हिमवंत पर्वत उसके उत्तर में निषेध पर्वत उसके उत्तर में नीलवंत पर्वत उसके उत्तर में रुक्मी पर्वत और उसके ऊपर में शिकरी पर्वत तो ये पर्वतों के कारण पूरा जम्बू सात क्षेत्रों में डिवाइडेड है तो सबसे दक्षिण में जो क्षेत्र है वो भरत क्षेत्र है तो यहाँ पे जो हम रहते हैं वो लघु हिम्मत पर्वत के दक्षिण में तो हम पे तो, right here, तो यह उपर, यहाँ पे रहते हैं तो राइट नाउ वी आर हियर तो ये भरत क्षेत्र है और लघु हिम्मत पर्वत के ऊपर यहाँ पे हिमन क्षेत्र है ये हिमन क्षेत्र वो अकर्म भूमि है यहाँ पे सदा थर्ड आरा चल रहा होता है फिर उसके उत्तर में महा हिम्मत पर्वत और उसके उत्तर में हरि हरिवर्ष क्षेत्र यहाँ पे कांस्टेंट सेकंड आरा चल रहा होता है उसके उत्तर में निषेध पर्वत और उत, उसके उत्तर में अ, मेरु पर्वत है और मेरु पर्वत के उत्तर और दक्षिण में उत्तर कुरु और देव क्षेत्र तो यहाँ पे भी अकर्म भूमि है ये दोनों सो तो उत्तर कुरुक्षेत्र देवकुरुक्षेत्र हरिवर्ष क्षेत्र और हिम्मत क्षेत्र वो सभी अकर्म भूमि है भरत क्षेत्र वो कर्म भूमि है तो उत्तर कुरु और देव क्षेत्र में सदा फर्स्ट आरा चल रहा होता है और मेरू पर्वत के पूर्व और पूर्व इस साइड है पूर्व और पश्चिम में महावीर क्षेत्र है जहाँ पे थर्टी टू विजय है उसके पश्चिम में यहाँ पे विजय है उसके पूर्व में धरा सिक्सटीन विजय फिर उसके उत्तर में नीलवंत पर्वत है और उसके उत्तर में रम्यक क्षेत्र है तो रम्यक रम्यक क्षेत्र और हरिवन क्षेत्र वो एक समान है यहाँ पे कांस्टेंट सेकंड आरा चल रहा होता है और उसके उत्तर में रुक्मी पर्वत है और रुक्मी पर्वत के उत्तर में हरि हरिण्य वन क्षेत्र है वहाँ पे कांस्टेंट थर्ड आड़ा चल रहा होता है और उसके उत्तर में शिखरी पर्वत है और उसके उत्तर में ऐरावत क्षेत्र है तो ऐरावत क्षेत्र भी कर्म भूमि में है तो ऐरावत क्षेत्र माविदे क्षेत्र और भरत क्षेत्र ये तीन कर्म भूमि है और बाकी सब अकर्म भूमि है ओके okay? तो ऐरावत क्षेत्र इज ऑलमोस्ट लाइक भरत क्षेत्र फिर उसके बाद जो ये जम्बू है जम्बू में जो ये जो पर्वत है लघु हिमवंत पर्वत हमारे जो उत्तर में है भरत क्षेत्र के उत्तर में और जो ऐरावत क्षेत्र के दक्षिण में जो शिखरी पर्वत है उसके एंड में ये एंड में आठ क्षेत्र निकलते हैं तो एक दो ऐसे करके डायगनली ये क्षेत्र लवण समुद्र में निकलते हैं तो और हर एक क्षेत्र में देर आर सेवन द्वीप सेवन आइलैंड्स उसको अंतर्द्वीप कहते हैं यहाँ पे युगलित ये भी ये भी एक अकर्म भूमि जैसा ही है पर उसको सेपरेट किया है उसको अंतरद्वीप बोलते हैं तो आ, तो ऐसे सेवन जम्बू द्वीप okay. ये, ये uh, uh, सेंटर में मेरू पर्वत है और फिर यहाँ पे लवन समुद्र है तो so, लवन समुद्र का भी डिस्क्रिप्शन बहुत ब्यूटिफुल है उसमें काफी सारे आईलैंड काफी सारे चैत्य जीन चैत्य और काफी सारी चीजें हैं जो हम देखेंगे तो ये द्वीप है तो अड़ी द्वीप में हमने ये जो अंदर का क्षेत्र देखा वो जम्बू द्वीप है और उ, उसके बाहर ये की खंड है और की खंड में दो मेरू पर्वत है और दो महाविदेश क्षेत्र है दो भरत क्षेत्र है दो ऐरावत क्षेत्र है और बाकी के भी जो भी अकर्भ भूमि है भूमि है सभी दो दो है यहाँ पे और उसके बाद कलहो समुद्र है और कलोदी समुद्र के बाद पुष्करावर द्वीप है और पुष्करावर द्वीप में भी सब कुछ दो दो है यहाँ पे दो मेरू पर्वत है दो महाविद्या क्षेत्र है दक्षिण में दो भरत क्षेत्र है उत्तर में दो ऐरावत क्षेत्र है और सभी ये रम्य क्षेत्र हरियम क्षेत्र वो सब कुछ दो दो है हरिवर क्षेत्र इट्स ऑल ट्वाइस और यहाँ पे मानुषोत्तर पर्वत है तो मानुषोत्तर पर्वत बेसिकली डिवाइड द तो पुष्करावर द्वीप इंटू टू तो उसके बाहर भी यहाँ पे भी पुष्करावर द्वीप है पर यहाँ पे सिंस मनुष्य जन्म नहीं लेते इसलिए यहाँ पे अर्थ पुष्करवार द्वीप तप हम स्टॉप हो जाते हैं okay, ओके कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछना सो दिस आर हंड्रेड वन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्षेत्र तो ये जो मनुष्य के जीव है वो वो दो टाइप के है, हो, होते हैं एक गर्भज होते हैं और दूसरे समूर्म होते हैं तो गर्भज मतलब क्या जो माता पिता या स्त्री पुरुष के संयोग से जो उत्पन्न होते हैं उसको गर्भज कहते हैं सो तो आर टाइप्स ऑफ गर्भज और जो माता पिता के संयोग के बिना जो अपने शरीर से जो भी असूची जो भी लिक्विड्स जो निकलते हैं वो लिक्विड्स अगर अंतर्मुर्त तक रहे तो उसके बाद समूच मनुष्य उत्पन्न होते हैं तो वो हंड्रेड वन टाइप्स के हैं तो गर्भज मनुष्य हंड्रेड वन टाइप्स समूह मनुष्य भी हंड्रेड एंड वन वन टाइप्स और गर्भज में दो है पर्याप्त और अपर्याप्त तो गर्भज मनुष्य अगर वो छे पर्याप्ति पूर्ण करे अंतर्मुर्त तक वो वो पर्याप्ति पूर्ण करता है उसके बाद अगर वो जीवित होता है तो वो उसको पर्याप्त कहते हैं पर वो अंतर्मुर्त में अगर मर जाता है अगर किसी का जन्म यू नो किसी के यू नो चवन होता है उसके बाद अगर अंतर्मुर्त तक उसका वो पर्याप्त ना हो पाए उसके पहले उसकी मृत्यु होता हो जाए तो उसको अपर्याप्त कहते हैं सो टोटल देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मनुष्य हंड्रेड वन टाइप्स ऑफ मनुष्य गर्भज पर्याप्त हंड्रे एंड और हंड्रेड समोरछिम तो मेरे को ये क्लास में आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट दिस समूरछिम क्योंकि ये समूरछिम जीव जो मनुष्य है वो पंचेंद्रिय है और हम इसकी हिंसा हम कॉन्स्टेंट करते रहते हैं तो आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दिस समूरछिम अपर्याप्त मनुष्य तो समूरछिम जीव समूरछिम मनुष्य क्या है तो हमने देखा कि वो माता पिता के संयोग के बिना अपने शरीर में जो भी असूची पदार्थ है उससे वो उत्पन्न होते हैं तो ये जो समूह जीव जीव है वो एक ही साथ असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं एक ही साथ सो आर काउंटलेस ये समूरछिम मनुष्य उत्पन्न होते हैं और वो निश्चय अपर्याप्त होते हैं वो 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 छो छह पर्याप्ति पूर्ण नहीं करते वो इधर चार पर्याप्ति या पांच पर्याप्ति पूर्ण करते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं तो ये भी ये जो समूच मनुष्य जो उत्पन्न होते हैं उसका उसका पाप हमको कांस्टेंट लगता रहता है और शास्त्र में ये चीज लिखा है ये बहुत यू नो you know, सोचने जैसी चीज है कि जो एक इंद्रिय जीव दो बेइंद्रिय ते और चौर जीव उसकी जो हत्या करते हैं उससे ज्यादा पाप हमको समूची मनुष्य की हिंसा में लगती है जो तो चौरिंद्र जीव जैसे बटरफ्लाई है यू you नो know, वो सब चौरिंद्र जीव है उससे भी ज्यादा पाप हमको समूचिम मनुष्य समूचिम मनुष्य जीव के हिंसा में लगती है क्योंकि वो पंचेंद्रिय जीव है तो इसलिए हमको जैसे भी करके वी हैव टू फाइंड आउट कि हम ये हिंसा को कैसे रोक पाए क्योंकि सबसे बड़ा पाप हमारा समूचिम मनुष्य जीव की हिंसा में है तो शास्त्र में लिखा है देर आर फोर्टीन वेस कि वो समूचिम मनुष्य उत्पन्न होते हैं तो हमारे जो शरीर में जो लिक्विड्स निकलते हैं वो फोर्टीन 14, 14 वो समूचिम मनुष्य उत्पन्न होते हैं तो पहला है विष्टा विष्टा मतलब जो भी हम वेस्ट प्रोडक्ट्स जो सॉलिड वेस्ट है वो निकालते है, उसको विष्टा कहते हैं उसके बाद यूरिन मूत्र उसके बाद कफ अपने शरीर में जो भी कफ निकलता है उसके बाद नासिका में मैल अपने नूस में जो भी कचरा है वो कचरे में भी समूचिम मनुष्य उत्पन्न हो हो सकते हैं उसके बाद वमन और उल्टी जो भी वॉमिट हम करते हैं उसमें उसके बाद जो भी सलाइवा है हम जो भी खाते हैं पीते हैं ग्लास उसमें समूचित मनुष्य उत्पन्न होते हैं फिर पित्त पित्त मतलब एसिडिटी हमारे जो एसिडिटी अगर बाहर निकले तो उसमें उत्पन्न होते हैं परु परु मतलब हमको कुछ लगता है और कुछ पक जाता है राइट उसमें उत्पन्न होते हैं लोही मतलब ब्लड वीर्य और जो वीर्य जो सूख जाते हैं और वापस वो गीले हो जाते हैं उसमें भी मनुष्य समुचित मनुष्य उत्पन्न होते हैं। उसके बाद पसीना अपना जो स्वेट है जो स्वेट बॉडी से छूटा पड़ता है अपने बॉडी पे नहीं बॉडी में स्वेट हो तब तक ओके okay है पर जैसे ही वो स्वेट बॉडी से अलग पड़ता है और उसके बाद 48 मिनट्स के बाद उसमें समुचित मनुष्य उत्पन्न होते हैं उसके बाद मनुष्य के डेड बॉडी में इसलिए हमने अब हम हमारे में व्यवहार क्या है कि वो डेड बॉडी को हम बर्न कर देते है राइट right? जब तक वो डेड बॉडी बर्न ना हो उसमें समूची मनुष्य उत्पन्न रह, होते रहते हैं उसके बाद स्त्री पुरुष के संयोग में उसके बाद जो नगर में जो जो लैंड है उसमें भी यू you नो know, काफी लिक्विड वेस्ट uh, होता है तो उसमें भी तो ये फोर्टीन डिफरेंट तरीके से समूचिम मनुष्य उत्पन्न होते हैं और जो ये समूची मनुष्य है हमने देखा कि कैसे उत्पन्न होते हैं तो ये जो जो लिक्विड वेस्ट है जब हमारे बॉडी से जब छुटा पड़ता है और उसके बाद 48 मिनट्स तक अगर वो सूखे नहीं अगर वो ड्राई नहीं हो तो उसमें वो मनुष्य उत्पन्न होते हैं अगर वो ड्राई हो जाए तो उसमें उत्पन्न नहीं होते हैं पर अगर वो फोर्टी मिनट्स के बाद भी वो ड्राई ना हो तो उसमें समुचिम मनुष्य उत्पन्न होते हैं और वो असंख्य प्रमाण में उत्पन्न होते हैं और उसकी हिंसा का पाप यहाँ पे लिखा है एक इंद्रिय पृथ्वी अबकाय बेइंद्रिय तेन्द्रिय चौदह से भी ज्यादा पाप हमको समूढ़ जीव की हिंसा में लगते हैं तो तो ये टॉपिक मेरे को लेना था कि समूह जीव की हिंसा हम कैसे रोक सकते हैं देर आर फ्यू थिंग्स आई थिंक वी ऑल कैन डू और हमको करनी चाहिए जो बहुत सिंपल चीजें है जो हम जीवन में रोज हम उसका यू नो पालन कर सकते हैं। तो पहला है हम जो भी हम खाते हैं जो भी डिश है वो थाली के पीना चाहिए ओके और थाली भी एक बार धोना नहीं चाहिए तीन बार धोना चाहिए तो वो कम्प्लीटली यू नो वो साफ़ हो जाए और उसके बाद थाली को धोने के बाद वो थाली को वो पानी पी लेने के बाद उसको वेट उसको उसको जो कपड़ा है ड्राई कपड़ा उससे पूरा उसको उसको पूरा ड्राई कर देना चाहिए तो ऐसी थाली में 48 मिनट्स के बाद समुचित जीव उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं है ओके okay. तो ये चीज हम हम लोग सब लोग कर सकते हैं रोज हम थाली धो के पी सकते हैं तीन बार और उसके बाद उसको ड्राई कपड़े से पूरा साफ करके वो ड्राई कपड़ा सुखा देने का और वी हैव टू मेक श्योर की वो ड्राई कपड़ा भी 48 मिनट्स में सूख जाए तो जैसे सन में सुखा दो या ऐसी जगह पे सूखा हो कि घर के अंदर थोड़ा सन आए तो ऐसे जगह पे वो फोर्टी मिनट्स में वो ड्राई हो जाता है तो हम ये बहुत बड़े पाप से हम बच सकते हैं फिर उसके बाद जो हम पानी पीते हैं पानी भी हम ग्लास जो पीते हैं वो ग्लास को भी ड्राई कपड़े से साफ कर देना चाहिए कि उसमें समुच्छिम क्योंकि अपने सलाइवा से भी अगर वो ग्लास वेट रहे तो 14 मिनट्स के बाद वो ग्लास में भी समुच्छिम मनुष्य उत्पन्न होते हैं और उसका पूरा पाप हमको लगता है सो दिस टू थिंग्स आर वेरी सिंपल टू फॉलो हम लोग रोज कर सकते हैं उसमें अपना कोई टाइम यू नो वेस्ट वो ज्यादा जाता नहीं है तो वी कैन वी कैन डू दिस फिर उसके बाद जो थोड़ी डिफिकल्ट चीज है वो है जो शास्त्र में लिखा है कि हम जो यूरिन वह सब जाते हैं वो खुली जगह में जाने चाहिए और उसको ऐसे जाना चाहिए कि वो फोर्टी एट मिनट्स में सूख जाए अभी वो तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है फिर उसके बाद लिखा है जो हम स्नान करते हैं तो पहले में क्या था कि स्नान हम एकदम मिनिमम पानी से करते थे और वो स्नान का पानी इकट्ठा करके हम बाहर उसको परट परटते थे, थे कि ऐसे परटते थे, थे कि वो स्नान का पानी भी फोर्टी एट मिनट्स में सूख जाए अभी ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप अपने शरीर में पसीना होता है और जब हम स्नान लेते हैं तो ये वो पसीना अपने शरीर से वो अलग होता है और फोर्टीन मिनट्स के बाद अगर वो स्नान का पानी सूखे नहीं तो उसमें भी समूचि मनुष्य उत्पन्न होते हैं तो हमको ये पाप तो कांस्टेंट लगता ही है ये हम जो यहाँ का जो यू नो वेस्ट सिस्टम हम यूज करते हैं वो कांस्टेंट गीला का गीला रहता है जब तक उसका वो केमिकल ट्रीटमेंट ना हो तो उसमें समूची मनुष्य उत्पन्न होते हैं ये पाप को हम रोकना मुश्किल है पर ओनली थिंग यू कैन डू इज Uh, तुम मिनिमम पानी से स्नान कर सकते हो यू नो यू ज़्यादा स्नान नहीं करना है तो उस हिसाब से वो पाप को तुम कम कर सकते हो फिर उसके बाद जो हम हाथ मुंह धोते हैं वो भी एकदम कम पानी से धोना चाहिए क्योंकि हाथ मुँह में भी पसीना है राइट तो वो भी एकदम कम पानी से धोना चाहिए कि समूरची जिम सबसे कम उत्पन्न हो फिर उसके बाद जो हम थूकते हैं थूकने के बाद उसको रे, रेती से कवर करना चाहिए या, या राख से कवर करना चाहिए तो उसमें वो फोर्टी एट मिनट्स में वो सूख जाए फिर उसके बाद जो जो पसीना है तो जो हम बाहर हम जॉगिंग करके आते हैं या जो भी हम एक्सरसाइज करके आते हैं तो उसके बाद हम कपड़े निकालते हैं तो वो कपड़े निकालने के बाद अगर वो कपड़े फोर्टी एट मिनट्स तक वो घीले रहे तो फोर्टी एट मिनट्स के बाद वो कपड़े में भी समूची मनुष्य उत्पन्न होते हैं तो शास्त्र में लिखा है वो कपड़े हमको बाहर डोरी पे सुखाने चाहिए ऐसे एनवायरमेंट में जहाँ पे बाहर सन आता हो हवा आती हो तो फोर्टी मिनट्स में वो सूख जाते हैं इतना टाइम नहीं लगता है पर हमको कपड़े निकाल के हमको डोरी पे लटकाने चाहिए बाहर और उसको फोर्टी मिनट्स में सुखा देना चाहिए कि उसमें समूची मनुष्य जीव उत्पन्न हो और फिर द लास्ट बोलते हैं कि जो भी हम ड्राई क्लॉथ हम यूज़ करते हैं जैसे हम पसीना लुसने के लिए या थाली लुसने के लिए ग्लास लु, लुसने के लिए वो तुमको सूर्यास्त के पहले उसको धो देना चाहिए तो वापस जो उसका जो डेड बॉडी है अगर कोई समुचिम जीव है तो वो भी वो साफ हो जाए और दूसरे दिन वापस उसको फ्रेश क्लॉथ तुमको यूज़ करना चाहिए तो ये टॉपिक मुझे लेना था क्योंकि दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और देर आर फ्यू थिंग्स यू कैन डेफिनेटली डू राइट थाली धोके पीना उसको ड्राई करना साफ करना ग्लास धोके पीना उसको साफ करना और मिनिमम पानी से नहने का और मिनिमम पानी से मुंह धोने का और उसके बाद यू नो कपड़े आ, पसीने वाले, पसीने वाले कपड़े को बाहर सुखा देने का अगर हम इतना भी करें तो हम ये महान पाप ये पंचिंद्रिय जीव की हत्या का पाप से हम बच सकते हैं ओके okay? तो कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे पूछना तो यहाँ